हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसीई ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 7, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं आज हम, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। तो देखिए, फर्स्ट फ्रैक्शंस क्या होते हैं हमारे पास। ए नंबर रिप्रेजेंटिंग द पार्ट ऑफ होल नंबर इज कॉल्ड फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, 2/3, 3/2, 5/7, ये सब क्या है, फ्रैक्शन के एग्जांपल्स हैं जिसे हम डिवाइड की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो वो क्या होगा हमारे पास, फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शंस के बाद हम जो डिस्कस करेंगे टॉपिक, वो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले डेसिमल को और समझ लेते हैं। फ्रैक्शन तो हमारे पास होगी डिवाइड की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन, जैसे 2/3। अब जो इसका रिजल्ट आएगा, 2 में 3 का हम जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.666 एंड सो ऑन। तो जो फ्रैक्शन को अगर हम सॉल्व करें, डेसिमल की फॉर्म आएगी हमारे पास, तो ये हमारे पास डेसिमल हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास, फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन पार्ट है और ये डेसिमल। ऐसे आप 3/2 का डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास, देखिए 3/2 का जब डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 1.5 कंप्लीट। तो ये तो फ्रैक्शन पार्ट हो गया, डिवाइड की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ये डेसिमल पार्ट हो गया, डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये रिवर्स होता है, फ्रैक्शन को हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं और डेसिमल को हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, इसको चेंज करते हैं, 1.5 डेसिमल हटाया, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट, तो हम अपॉन में क्या लगाएंगे, 10। अब देखिए 15 और 10 5 से डिविजिबल है, 5 2 10 एंड 5 3 15, तो 3/2। तो देखिए ये रिवर्स प्रोसेस है, फ्रैक्शन को हम डेसिमल में चेंज कर सकते हैं और डेसिमल को अगेन फ्रैक्शन में हम चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फर्स्ट टाइप हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है हमारे पास, जैसे देखिए अभी हमने देखा था कि डिवाइड की फॉर्म में जो रिप्रेजेंट करते हो फ्रैक्शन होते हैं, फर्स्ट पार्ट हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर क्या होगा, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, न्यूमरेटर 2 और डिनोमिनेटर हमारे पास 5, तो न्यूमरेटर स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। और भी एग्जांपल लिख सकते हो आप, 7/9, न्यूमरेटर इसमें स्मॉलर है देन डिनोमिनेटर। और भी एग्जांपल ले सकते हो, 11/7, 11/13 एंड सो ऑन, इट इज एटसेट। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में ऑलवेज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉलर होगा। सेकंड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट इसका रिवर्स, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल, 7/5, न्यूमरेटर की वैल्यू हमेशा ग्रेटर होगी डिनोमिनेटर से, तो उसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और भी एग्जांपल ले सकते हो आप, 13/11, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर एक्सेट्रा। थर्ड हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, 3/5, 3/2/5, 3/2/5। और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, 2/7/9 एंड एटसेट्रा।
नंबर फोर है हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं हम? फॉर एग्जाम्पल 2/5 का हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, तो सेम डिजिट से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और उसी डिजिट से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेम डिजिट से हमने मल्टीप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को, तो डिनोमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से। तो 2 4 8 एंड 5 4 20, तो 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हुआ? 8/20। आप किसी भी सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें फाइंड करने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 5/7 को 3 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर को और 3 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, तो ये आया हमारे पास 5 3 15 एंड 7 3 21। ऐसे ही आप और भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हो, 3 के अलावा आप 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 5/7 को न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 20, 7 4 20। तो ये भी सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 5/7। ऐसे आप और भी फाइंड कर सकते हो सेम, लेकिन कंडीशन क्या है? सेम डिजिट से ही हमें न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है और उसी डिजिट से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में नंबर 5 लाइट फ्रैक्शन। लाइट फ्रैक्शन, लाइट फ्रैक्शन क्या होते हैं हमारे पास? जिसमें सेम डिनोमिनेटर सेम हो। फॉर एग्जांपल डिनोमिनेटर सेम है तो वो सब क्या होंगे? लाइट फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 2/3, 5/3, 7/3, 11/3। देखिए इन सभी में डिनोमिनेटर 3 3 सेम है, तो ये क्या होंगे हमारे पास? लाइक फ्रैक्शन। नंबर 6 अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन जस्ट इसका रिवर्स लाइक फ्रैक्शन का, डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल 2/5, 3/7, 5/8, etc. तो ये क्या होंगे? अनलाइक फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर हमारे पास डिफरेंट है 5 7 8, और यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या थी? 7। इसके बाद हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3। 2/3 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमें फाइंड करने, जैसा कि हमने देखा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम सेम डिजिट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके फाइंड करते हैं। आप किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी 3 से करना पड़ेगा, तो यह आएगा 2 3 6, 3 3 9। फर्स्ट हो गया हमारे पास कितने करने हमें? 5। सेकंड 2/3, अब आपने डिफरेंट 4 से कर दिया मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों, तो 2 4 8, 3 4 12। सेकंड आ गया, थर्ड 2/3 का 5 से कर दिया आपने 5 5, 2 5 10, 3 5 15। फोर 2/3 को आपने 6 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, 6 2 12, 3 6 18। फिफ्थ 2/3 को आपने 7 से मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, ये आएगा हमारे पास 2 7 14, 3 7 21।
तो ये फाइव इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमारे पास फाइव हो चुके हैं 2/3 के। नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, अरेंज द फ्रैक्शंस इनटू असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। फ्रैक्शन हमारे पास गिवन है 3/5, 7/10 एंड 4/15। इसको असेंडिंग ऑर्डर इट मींस स्मॉल टू बिग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर इट मींस बिग टू स्मॉल में अरेंज करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन हमारे पास फ्रैक्शंस है 3/5, 7/10, 4/15। हियर डिनोमिनेटर आर डिफरेंट। इस केस में हम क्या लेंगे, एलसीएम। डिनोमिनेटर हमारे पास डिफरेंट है तो 5, 10 एंड 15 का एलसीएम लेंगे हम। 5, 10, 15 का एलसीएम लेंगे। 5 से डिवाइड करिए, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। 2 से डिवाइड करेंगे 1 1 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 1। एलसीएम लेना आता है ना आपको, हम जब तक डिवाइड करते हैं जब तक हमारे पास लास्ट में 1 1 ना आ जाए। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 10, 10 3 30। तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 15 का एलसीएम आया हमारे पास 30। अब 30 में 5 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 6। इट मीन्स 3/5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 6 से, न्यूमेरेटर और डिनोमेटर दोनों। 6 3 18, 6 5 30। ऐसे ही अब नेक्स्ट हमारे पास डिनोमिनेटर 10 है, एलसीएम 30। 30 में 10 का डिवाइड करेंगे 3 आएगा। इट मीन्स 7/10 को 3 से, न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 3 21, 10 3 30। नेक्स्ट हमारे पास 30 में 15 का डिवाइड करेंगे 2 आएगा। इट मीन्स 4/15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। 4 2 8, 15 2 30। अब देखिए इस केस में हमें असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों में अरेंज करना है। सबसे पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, स्मॉल टू बिग। सबसे पहले छोटा नंबर आएगा। अब इस केस में देखिए डिनोमिनेटर सेम है, अब न्यूमरेटर नंबर को देखेंगे। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 8 8/30। तो ये आएगा हमारे पास 8/30। फिर इसके बाद 18/30 18/30, आफ्टर दैट 21/30। अब इसके फ्रैक्शन राइट कर देंगे, 8/30 का फ्रैक्शन 4/15 था, 4/15 ग्रेटर देन 18/30 का फ्रैक्शन 3/5 एंड 21/30 का फ्रैक्शन 7/10। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया स्मॉल टू बिग आंसर। ऐसे ही हम यहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर निकाल लेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है हमारे पास, बिग टू स्मॉल, इट मींस जस्ट इसका रिवर्स। डिनोमिनेटर सेम है, बड़ी वाली डिजिट कौन सी होगी डिनोमिनेटर की, 21। तो 21/30, 21 के बाद 18/30, 18/30 के बाद 8/30, 21/30 की फ्रैक्शन हमारे पास 7/10, 18/30 की 3/5 एंड 8/30 की 4/15, दैट इज डिसेंडिंग ऑर्डर आंसर।